बस कहना जो तुम्हारे को हमारे लिए अच्छा लगे ना वो तुम दे देना। एक मैडम ने बहुत सुंदर चित्र बनवाया एक चित्रकार से, बड़ा सुंदर चित्र बनवाया मैडम ने, और मैडम ने चित्र बनवाया और चित्र बनाते ही मैडम ने कहा क्या सुंदर चित्र बनाया है, बहुत सुंदर, आपकी मेहनता ही बताओ, कितने डॉलर देना है आपको, बोलो जल्दी से। अब चित्रकार विचार कर रहा है कि मैं, मेरी चित्रकारिता का तो $200 बनता है, पर मैडम तो बड़ी अप टू डेट लग रही है तो कम से कम $400 तो लेना चाहिए। $400 तो लूंगा। फिर मन में आया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो अच्छी पैसे वाली दिख रही है, कम से कम $800 तो लेना चाहिए। फिर उसके मन में आया कि नहीं, $1,000 मांग लेता हूं। ऐसा विचार वो अंदर करता रहा। फिर आखिरी में मैडम ने फिर कहा आप बताओ आपको क्या देना है चित्र का। उसने सोचा कि मैं 1,000 मांगने वाला हूं, परंतु अगर इसने मेरे $200 नहीं दिए तो इससे तो अच्छा है कि मैं अपने $200 मांग लूं, पर मैं $200 रहने देता हूं, पहले मैडम से कह देता हूं कि तुमको जो अच्छा लगे वो तुम मुझे दे दो। अब घबरा रहा है, अगर मैडम ने कुछ नहीं दिया तो, और 200 से भी कम दे दिया तो। फिर भी उसने कह दिया, मैडम ने पूछा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, उसने कहा मैडम तुम्हारा मन करे ना वो तुम दे दो। मैडम खुश हो गई, क्या चित्र बनाया है तूने, कितना जोरदार बनाया है तूने। मैडम ने अपना पर्स लिया, जो पर्स हीरे से जड़ा हुआ था, रतन से जड़ा हुआ था, सोने से जड़ा हुआ था, और वो पर्स मैडम ने उसको दे दिया, और देते से ही कहा ये पर्स तुम रख लो, इस पर्स को तुम्हारे पास रखो। उस चित्रकार ने विचार करा, मैडम बोल रही है कि बड़ा कीमती पर्स है तुम रख लो, और चित्रकार ने मन में सोचा मेरे को तो डॉलर की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी, इस पर्स का करूंगा क्या, खूंटी पर टंगा रहेगा, कील पर टंगा रहेगा, ये पर्स मेरे किस काम आएगा। तो उसने सोच लिया कि मैडम तो कंजूस लग रही है, इसलिए उसने कहा मैडम आपका पर्स अपने पास में रखो, मेरे तो $200 तुम मुझको दे दो, मुझे तुम मेरे $200 दे दो। मैडम ने वो पर्स लिया, खोला, और उस पर्स को खोला तो उस पर्स में $1,00,000 रखे हुए थे, उसमें से $200 मैडम ने दे दिए। अब मैडम कीमती पर्स भी दे रही थी, मैडम $1,00,000 भी दे रही थी, पर मांगा हमने केवल उतना है जितना हमारे को हमारी सोच से, हमारी बुद्धि से, हमारे चित्त से ठीक लगा, हमने उतना मांग लिया। कभी कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आना, कभी बाबा के धाम पर आना, कुबेर भंडारी की इस पवित्र भूमि पर, कंकर शंकर की भूमि पर आना, जब तक तुम्हारा मानव शरीर है, मनुष्य की देह है, चारों धाम कर लेना, 12 ज्योतिर्लिंग कर लेना, सारे तीर्थ होकर जाना, सारी नदी और सरोवर में स्नान कर लेना, और जिंदगी में एक बार कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जरूर आना। बाबा कुबेर भंडारी की भूमि पर एक बार जब आना, हर जगह से जब घूम कर, हर जगह से धक्के खाने के बाद, हर जगह पर होकर आने के बाद, जब कुबेर बाबा के भंडारी की इस पवित्र भूमि पर आओ, तो बाबा से अपने लिए कुछ मांगना तो इतना जरूर कहना कि तुझे मेरे लिए जो अच्छा लगता हो बाबा, तू मुझे वो दे देना जो मेरे लिए अच्छा हो और तुझे अच्छा लगता हो। सकता है मैं कम मांगू, हो सकता है मैं थोड़ा मांगू, हो सकता है मैं थोड़ा लूं, पर तू कृपालु, तू दयालु, तू करुणा सागर है, तेरे बराबर दुनिया में कोई कृपा करने वाला नहीं होगा, तू मुझे देना तेरी मर्जी से देना। और फिर निवेदन है, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर।